दोस्तों, अभी तक आपने मेवाड़ हिस्ट्री का प्रीवियस हिस्सा नहीं देखा तो सही से समझने के लिए पहले उसे देख ले। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। राजसिंह 1652 से 1680 ईस्वी सन। राजसिंह को विजयकट कातु तथा हाइड्रोलिक रूलर की उपाधियां से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख सिसोदिया वंशीय शासक महाराणा राजसिंह द्वारा स्थापित करवाया गया। महाराणा राजसिंह ने किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती से जबरन विवाह किया तथा औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध कर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को संरक्षण प्रदान किया। राजसिंह के निर्माण कार्य। सप्तध्वजा श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, राज संबंध में अंबा माता का मंदिर उदयपुर, द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली, जानासागर तालाब, त्रिमुखी बावड़ी आदि। दिल्ली के बादशाह शाहजहां के पुत्रों में हुए 1657 ईस्वी सन के उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा राजसिंह से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो क्षत्रानी, पंक्ति हाड़ी रानी सहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हाड़ा रानी सहल कंवर ने अपना सिर काटकर राजसिंह की सलूम्बर जागीर के सामंत अपने पति रतन सिंह चुंडावत के पास भेज दिया था। राजसिंह ने अकाल राहत कार्य हेतु राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इस राजसमंद झील की उत्तरी भाग की 9 चौकी पाल पर 25 शिलालेख वाली राज प्रशस्ति है, जिसके लेखक रचनाकार रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। यह राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। जयसिंह 1680 से 1698 ईस्वी सन। जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, जिस पर 7 टापू है, जिनमें सबसे बड़ा बाबा का मगरा तथा सबसे छोटा पायरी है। अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 ईस्वी सन। अमर सिंह द्वितीय ने आमेर के सवाई जयसिंह के साथ अपनी पुत्री चंद्र कंवर का विवाह सशर्त करवाया था। देवारी समझौता। यह समझौता मेवाड़, मारवाड़ तथा आमेर के मध्य आमेर की गद्दी सवाई जयसिंह को दिलाने के लिए किया गया। संग्राम सिंह 1710 से 1734 ईस्वी सन। इन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। इन्होंने सीसारमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था एवं वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखवाई थी। हुर्रा सम्मेलन की रूपरेखा संग्राम सिंह ने तैयार की थी। भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया के शासनकाल में इनकी पुत्री कृष्णा कुमारी के कारण मारवाड़ के मानसिंह राठौड़ व आमेर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य 13 मार्च 1807 ईस्वी सन में गिंगोली का युद्ध पर्वतसर नागौर में हुआ था, जिसमें जगत सिंह जीता, लेकिन टोंक के अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर देकर हत्या करा दी गयी। भीम सिंह ने 1818 ईस्वी सन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की। स्वरूप सिंह ये 1857 की क्रांति के समय शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इन्होंने स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया था। इन्होंने 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। इनकी पासवान रानी एंजाबाई सती हुई थी, जो कि सती का अंतिम प्रमाण था। सज्जन सिंह 1874 से 1884 ईस्वी सन। इन्होंने मेवाड़ में सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहते हैं। इन्होंने सामाजिक सुधार सभा देशहितैषिणी सभा का गठन किया। इनके दरबारी कवि श्यामलदास कविराज थे, जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी। इसी के साथ मेवाड़ हिस्ट्री का ये सफर यही समाप्त होता है। आगे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।